हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि यादव, SBCC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल की कक्षा में हम ये देख रहे थे व्यवहारवाद क्या है, और आज आगे व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1939 से 1945 के बीच की स्थिति है। हम कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको प्रतिष्ठा मिली, किंतु इसके जो प्रारंभिक संकेत है वो चार्ल्स मीडियम की जो प्रति थी, जो हमने देखा था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में शुरुआत में दिखने लग गए थे। और उसके पश्चात शिकागो स्कूल की जब हमने बात करी थी, उन्होंने स्टडी ऑफ पावर यानी शक्ति के अध्ययन के आधार पर व्यवहारवाद को अपनाया, और उसके पश्चात हेरॉल्ड लासवेल ने इसका अध्ययन किया। व्यवहारवादी अध्ययन में हमने देखा कि राजनीति वैज्ञानिकों ने परंपरागत विधियों का परित्याग करके मनुष्य और राजनीति के बारे में अपने अध्ययन को विस्तृत अनुभव मूलक मतलब एम्पेरिकल स्टडी के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया, और मूल्यपरक मान्यताओं से अपना स्थान तोड़ लिया या अपना नाता तोड़ लिया। व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीतिक विचारक जो संवैधानिक और संस्थागत अध्ययन कर रहे थे उसको पीछे धकेला, और एक व्यवहार परक अध्ययन पद्धति को अपना लिया। इस प्रकार जब व्यवहारवादी अध्ययन राजनीति विज्ञान में प्रारंभ हुआ तो अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो यही व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है। सर्वप्रथम अब राजनीति वैज्ञानिकों ने राज्य के कानूनी ढांचे का विवेचन करने से ही अपने आप को नहीं ये समझा कि हमारा कर्तव्यों की दिशा हो गई, अब वे छोटी छोटी इकाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए निर्वाचक मंडल, इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि जो हित समूह होते हैं, और एलीट क्लास, वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, और राजनीति की वास्तविक प्रक्रिया में ये इकाइयाँ किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं, इसको जानने का प्रयास किया जाता है। अब राजनीति विज्ञान में राज्य की संरचना को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया का क्षेत्र बहुत जटिल है, विस्तृत भी है। इसके साथ ही साथ व्यवहारवादी उपागम में केवल पॉलिटिकल फोर्सेस पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि कानूनी ढांचे के भीतर जो अलग प्रकार की सामाजिक और आर्थिक शक्तियां जो राज्य की गतिविधियों को नियंत्रित करती है उनका भी अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता जो हम व्यवहारवाद की देखते हैं कि अब इस उपागम के चलन से राजनीति का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। अब राजनीतिक अध्ययन को अन्य तरीकों से भी जानने का प्रयास किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अब अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की गई है, जिसके अनुसार संस्थाएं ही नहीं मन उसका जो उसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसको भी अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे व्यवहारवादी उनको अगर सुप्रीम कोर्ट या कांग्रेस का अध्ययन करना है तो अब इन संस्थाओं का अध्ययन संस्थाओं के रूप में नहीं होगा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या कांग्रेस के सीनेटर्स और प्रतिनिधि सभा के सदस्य किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उनका बिहेव का पैटर्न क्या है, उसको भी अध्ययन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट विशेषता जो हम देखेंगे कि अब व्यवहारवादी अध्ययन में मनुष्य के कार्यकलापों का निरीक्षण भी किया जाता है, और निरीक्षण करके ये देखा जाता है कि मनुष्य पर्टिकुलर वर्क करते समय या कोई राजनीतिक क्रिया करते समय किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो किस प्रकार से आज्ञा देता है, किस प्रकार से समझाता है, किस तरह से दूसरों को या किस तरह से प्रतिनिधित्व करता है, उसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है।
नेक्स्ट बात, अब व्यवहारवादी अध्ययन में परिमापन की जो विधियां हैं, मेथड्स और मेजरमेंट्स हैं, उसमें कंप्यूटर का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, नई नई अनुसंधान विधियों का प्रयोग किया जाता है और अपने समस्त अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाता है। एक अन्य विशेषता यह है कि अब व्यवहारवादी अपने अध्ययन में सभी सामाजिक विज्ञानों में आपस में एकता की तलाश करते हैं। मतलब राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए न केवल मनोविज्ञान, समाज विज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि इनमें जो शब्दावली यूज की जाती है या इन विषयों में जिस प्रकार से अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है, उसका भी हम लोग यूज करते हैं। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की अंतिम विशेषता यह है कि वो एक एम्पिरिकल थ्योरी, एक आनुभविक सिद्धांत का विकास करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से राजनीति व्यवहार के नियम प्रस्तुत किए जा सके। और एक प्रमुख विचारक जो हम जानते हैं व्यवहारवाद के जन्मदाता भी हैं, डेविड ईस्टन, वो समग्र रूप में या निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि व्यवहारवाद में कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी नियमितताएं पाई जाती हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनको एक जनरल थ्योरी के रूप में एक्सप्रेस भी किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसी से जुड़ती है वो दूसरी बात, कहते हैं कि अब ये जो मनुष्य का जो व्यवहार है या उसकी जो व्यवहार की जो नियमितताएं हैं उनकी जांच की जा सकती है, और ये जो जांच की जाएगी वो आंख मीच की नहीं होगी बल्कि बाकायदा जो साइंटिफिक थ्योरीज है उसके आधार पर इनको जानने का प्रयास किया जाएगा। व्यवहारवादियों का यह भी मानना है कि जो संपूर्ण अध्ययन है, अनुसंधान है, वो व्यवस्थित होना चाहिए। यदि अनुसंधान हमारा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होगा तो व्यर्थ होगा, और उसी प्रकार यदि सिद्धांत की पुष्टि आंकड़ों से नहीं होगी तो निरर्थक सिद्ध होगी। अतः जो संपूर्ण पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको समझने के लिए अंततः हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से जो प्राप्त सामग्री है उसको इंटीग्रेटेडली समन्वित करके ही हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे और एक किसी सिद्धांत का निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवहारवाद का अगला चरण क्या है, ये व्यवहारवाद के राजनीति में आने के बाद किस प्रकार से राजनीति का परिदृश्य बदलता है। धन्यवाद।